और एक टाइम पे मैं देख रहा हूँ वुमेन प्रीमियर लीग का मैच, और मेरे से यकीन करवा लो मैंने पीएसएल का मैच नहीं देखा, टट्टी क्वालिटी नजर आ रही थी। और भाई जान उधर 4K में 4K क्वालिटी थी उस मैच में। सबसे पहले तो उसकी ऑक्शन की बात करो, मतलब क्या ऑक्शन हुई है यार, सॉरी ऑक्शन क्या, वो ऑक्शन तो जबरदस्त हुई थी, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी क्या, मतलब ओपनिंग सेरेमनी की गई है, मतलब स्टार बुलाए गए हैं उस उधर, और भाई जान बताया गया है कि ये आईपीएल स्टैंडर्ड की लीग है, इसे बीसीसीआई करवा रहा है, उधर बताया गया पैसे लगाए गए, और लोगों को भी पता चला है कि आईपीएल फर्स्ट, सॉरी पीएसएल फर्स्ट तरीन लीग है, आईपीएल के मुकाबले की ये लीग है। और आईपीएल को आपको पता है कि दुनिया में कोई अभी तक ऐसी लीग आई नहीं है जो आईपीएल को कंपीट करे टेस्ट के दरमियान। लेकिन क्या कमाल का आगाज हुआ है डब्ल्यूपीएल का, और मुंबई इंडियंस ने भाई साहब मेला लूट लिया है, और हरमनप्रीत कौर ओए 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 दोबा 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 क्या कमाल की बैटिंग किया भाई आज 234 के स्ट्राइक रेट से, और बिल्कुल गुजरात जेट्स की एक भी नहीं चलने दी, और जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हुए 30 बॉलों पे 65 स्कोर किए दुआनार इनिंग्स के लिए, जिसमें 14 चौके शामिल थे। और बिल्कुल आज का जो दिन है भाई वो हरमनप्रीत कौर के नाम है। अगर देखा जाए तो आज लीग दूसरी तरफ चली थी वुमेन्स प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल की वुमेन्स की लीग है, उसके अंदर पहला मैच हुआ, उसने मुझे क्या याद दिलाया, वही आईपीएल 2008 ने भी 200 प्लस रन स्कोर किए थे, ब्रेंडन मैकेना ने 157 रन मारे थे, आईपीएल को हिट करने में बड़ा बड़ा किरदार था उसका। उसी के साथ साथ आज मुंबई इंडियंस की जो वुमेन्स की टीम है उन्होंने भी जिसको कहते हैं 200 प्लस रन स्कोर किए, हरमनप्रीत कौर ने 7 बोलों पे 7 चौके मारे, आज जिस किस्म की वो बल्लेबाजी कर रही थी यकीन मानो मुझे फील बड़ा हुआ कि मैंने कहा अगर ये खेल रही होती ऑस्ट्रेलिया के गेम्स ये रन आउट ना होती तो इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम ले जाना था, वर्ल्ड कप जीत जाना था। और वही टर कर दिया भाई, क्या छक्के हैं, और ऊपर से भी वो लड़की ने कुछ 4 छक्के भड़का दिए मैथ्यू जो है, बहुत मारा भाई इस बार अगर 207 रन, वो भी इनॉग्रल मैच, वो भी लड़कियों के मैच में 207 रन। और हरमनप्रीत कौर पता नहीं आज क्या खा के आई थी, कहती थी चिट्टी आज मैं छिड़ना नहीं है, जेड़ा मेरे सामने आया उन्हें मैं लपेट के मारना, रंडा मारना है कि इन्होंने कड़ाके काट देने, बहुत मजा आया, सुपर मैच। देखिए अब कुछ लोगों को यह भी पसंद नहीं आएगा, मजा नहीं आया आज, वन साइडेड मैच। ओ भाई जान कभी तो किसी को क्रेडिट दे कि बहुत अच्छा मुंबई इंडियन की टीम खेली, बारी आई तो मतलब स्टार बुलाए गए उस उधर, और भाई जान बताया गया है कि ये आईपीएल स्टैंडर्ड की लीग है, इसे बीसीसीआई करवा रहा है, उधर बताया गया पैसे लगाए गए, और लोगों को भी पता चला है कि आईपीएल फर्स्ट, सॉरी पीएसएल फर्स्ट तरीन लीग है, आईपीएल के मुकाबले की यह लीग है। और आईपीएल को आपको पता है कि दुनिया में कोई अभी तक ऐसी लीग आई नहीं है जो आईपीएल को कंपीट करे, और दूसरी लीग आ गई है उसका नाम है WPL वुमेन प्रीमियर लीग। और सर वुमेन प्रीमियर लीग की एक और आप बात आपको बताऊं कि वुमेन प्रीमियर लीग जो है ना वो पीएसएल का इंटरेस्ट खत्म कर देगी, पीएसएल अब कोई नहीं देख रहा, पीएसएल अब कोई नहीं देख रहा, मैंने तो पीएसएल का मैच नहीं देखा, मैंने पीएसएल का एक भी मैच नहीं अभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने यकीन करो लिटरली बात करूंगा क्वालिटी आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या स्कोर कार्ड लग रहा था, क्या ग्राउंड लग रहा था, और जो इंटरेस्ट लेवल मुझे लड़कियों का नजर आ रहा था, और पता ना चल रहा था कि यार वो कहते ना लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट नजर आ रही थी कि यार वो प्रीमियर लीग शुरू होने जा रही है, और जितनी भी अदर कंट्रीज की लड़कियां खेल रही थी सबको पता कि यार इस लीग में पैसा है, ये लीग हमारा कैरियर बनाएगी, इस लीग की वजह से हम दुनिया में हमारा नाम बनेगा, सबको पता होता है कि हम अपनी मुल्क की तरफ से खेलेंगे, हमारा उस तरह नाम नहीं बनेगा, लेकिन जब हम WPL खेलेंगे हमारा नाम बनेगा। बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका IPL की वजह से दुनिया में नाम बनाया, एबी डिविलियर आपसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, एबी डिविलियर को DJ ब्रावो ये अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि IPL की वजह से हमें दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, और PSL घंटे की वजह से क्या मिली है, कुछ भी नहीं, PSL तुम्हें खेलने भी नहीं आता, कौन आता PSL खेलने मुझे बता दो, कभी किसी ओवरसीज प्लेयर के मुंह से सुना कि यार PSL बड़ा अच्छा है, या PSL में ही होता है, PSL में कुछ भी नहीं होता, कख भी नहीं होता PSL में, सिवाय जलालत के। और मेला लूट लिया है, और हरमनप्रीत कौर ओए 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 दोबा 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 क्या कमाल की बैटिंग किया भाई आज 234 के स्ट्राइक रेट से, और बिल्कुल गुजरात जेट्स की एक भी नहीं चलने दी, और जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हुए 30 बॉलों पे 65 स्कोर किए दुआनार इनिंग्स के लिए, जिसमें 14 चौके शामिल थे। और बिल्कुल आज का जो दिन है भाई वो हरमनप्रीत कौर के नाम है। अगर देखा जाए तो आज के दिन गुजरात जेट्स ने अगर कोई चीज जीती है वो सिर्फ उन्होंने टॉस जीता है, बाकी मैच तो इस टाइम मुंबई इंडियंस के हाथ में है, लेकिन बाकी किसी भी टाइम ऐसा नहीं लगा कि गुजरात जेट्स जो इस मैच में मौजूद है, पहले
कि तूफानी बैटिंग देखकर पीएसएल छोड़कर आईपीएल देखने लगे पाकिस्तानी मीडिया। 143 रन के जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी रह गई और बोले आने वाले दिनों में पीएसएल को कोई नहीं देखेगा, डब्ल्यूपीएल हिट हो जाएगा जैसे आईपीएल हिट हुआ। तो दोस्तों क्या हमारी डब्ल्यूपीएल हिट हो जाएगी? अपनी कीमती राय देना मत भूले।